मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि भाई मेरा कंप्यूटर बॉटलनेक करेगा कि नहीं करेगा, ये बॉटलनेक होता क्या है। तो मैंने सोचा चलो आज सबका डाउट क्लियर कर देते हैं और बॉटलनेक में समझा देता हूँ लोगों को कि क्या होता है। फिर मैं सोचा था कि बॉटलनेक में आप लोगों को कैसे समझाऊं, तो मेरे दिमाग में आया कि बॉटलनेक समझाने के लिए एक असली बॉटलनेक बनाना कैसा रहेगा। तो मैंने आज ये बनाया दो बॉटल से आपको समझाने के लिए कि बॉटलनेक क्या होता है। चलो चलते हैं। तो सपोज करो कि जो मैंने ये बॉटलनेक बनाया है उसका ये पार्ट है सीपीयू जो कि यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है और ये है हमारा आउटपुट जो कि मॉनिटर या प्रिंटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्रोजेक्टर वगैरह। तो समझ लो ये हमारा डेटा है जिसकी कील से मैंने रिप्रेजेंट करी है यहाँ पे। आई नो इट्स स्टूपिड बट मेरे पास और कुछ था नहीं। तो हम लोग अगर इसको ऐसे स्टैंड करें तो फ्लो हमारा यूं जाएगा नीचे की तरफ, मतलब कि सीपीयू से आउटपुट की तरफ। अगर मैं एक एक करके डेटा डालूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा कि एकदम से डेटा पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। बट अगर मैं बल्क में डेटा डालूं, अगर मैं ये सारा डेटा एक बार में डाल दूं, मैंने इसको एक साथ सारा बल्क में डाल दिया, तो क्या हुआ, थोड़ा सा डेटा हमारा पास हो गया पर बहुत सारा डेटा हमारा फंस गया, बॉटलनेक में फंस गया जो कि हमारा GPU था। यहाँ पर मैंने क्या एज्यूम किया था कि हमारा जो CPU है वो बहुत फास्ट है इसलिए मैंने इसको बड़ा पोर्शन दे रखा है। हमारा GPU जो है वो बहुत ही स्लो है इसलिए मैंने इसको छोटा पोर्शन दे रखा है। और हमारा आउटपुट जो कि मॉनिटर है उसमें कोई ऐसे दिक्कत नहीं है हमारे पास अभी, तो मैंने इसको बड़ा दे रखा है, ठीक है। तो CPU ने तो अपना डेटा प्रोसेस करके GPU को दे दिया पर ग्राफिक कार्ड जो हमारा वो है स्लो है, तो क्या हुआ वो प्रोसेस नहीं कर पाया उस डेटा को और वहाँ पर रुक गया। तो इसके रुकावट की वजह से इसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो जब हम अपना सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब कि अपने पार्ट्स लेते हैं, तो हम एक चीज़ देखते हैं उसमें, हमारा CPU और जो GPU है मतलब कि ग्राफिक कार्ड है उन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही सिमिलर होनी चाहिए। i5 को GTX 1080 Ti के साथ मैच करा दें तो हमारा बहुत ज़्यादा बॉटलनेक होगा क्योंकि ये तो है सुपर फास्ट, ठीक है, बट ये जो हमारा है ये है स्लो। इसके कंपेरिजन में ये स्लो हो जाता है हमारा, क्या होता है इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है इसकी वजह से। आपने खर्च किया 60,000 एक ग्राफिक कार्ड के ऊपर और आपको परफॉर्मेंस मिल रही है सिर्फ 40,000 या 30,000 के ग्राफिक कार्ड के बराबर की, तो फ़ायदा क्या हुआ, नहीं हुआ। और कुछ लोग क्या करते हैं i7 को समझ लो 1050 से पेयर कर देते हैं GTX 1050 के साथ में, तो यहाँ क्या होता है तो आपका नॉर्मल जो एप्लीकेशन है वो तो बहुत फास्ट चलेगा i7 की वजह से, पर जब भी आप गेमिंग की तरफ आ जाओगे तो गेमिंग में i7 तो अपना काम कर रहा है पर 1050 जो है आपका वो स्लो है। i7 अपना काम करता है पर उसकी फुल पोटेंशियल आपको नहीं मिलती। i7 के साथ अगर आप 1080 Ti मिला दो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन एकदम परफेक्ट है। ध्यान रखना बॉटलनेक हर सिस्टम में होता है पर डिफरेंस ये होता है कि बॉटलनेक कितना हो रहा है, 10% 20% 50%। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो बॉटलनेक होंगी वो होगी कुछ 47 से 50 के आसपास होगी, यहाँ पे जो होगी वो सेम कुछ ऐसी 40-50 के आसपास है और जो यहाँ पे जो बॉटलनेकिंग होगी वो 2-3% की बॉटलनेकिंग होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बॉटलनेक समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। बट अगर आपके पास अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर से हेल्प करूँगा। मेरे को बहुत खुशी होती है लोगों की हेल्प करने में। आप इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें और कमेंट्स में भी मेरे को थोड़ा प्यार दिखाएं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मेरा नाम है देवांशु, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। It means no worries.